शिवाना आईएएस एकेडमी चंबा में आप सभी का स्वागत है। हम इस सेशन के अंदर जो पार्ट वन है उसमें डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के कुछ करंट अफेयर जो एचपीएस यूपीएससी अलाइड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे जो सामने है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो ये सवाल क्या है, जगदीश चंद्र बोस के विज्ञान के योगदान के बारे में प्रश्न पूछा गया हुआ है। तो सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, उन्होंने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया जो पौधों की वृद्धि को मापने का एक उपकरण है। कैस्कोग्राफ, उन्होंने मिलीमीटर रेंज वेवलेंथ माइक्रोवेव पर पथ प्रदर्शक कार्य किए। उनके पास पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉलिड स्टेट डायोड डिटेक्टर के लिए दुनिया का पहला पेटेंट है। अभी बहुत हैवी क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आंसर करना इतना आसान नहीं है। तो कौन सी ऑप्शन सही है, केवल वन और दो, और इसमें ऑप्शन सही है डी। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा इसके एक्सप्लेनेशन, और आप इस एक्सप्लेनेशन देखें यहाँ पे, तो बोस होल्ड द फर्स्ट पेटेंट इन द वर्ल्ड ऑफ ए सॉलिड स्टेट डायोड डिटेक्टर यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ जैन आई थिंक दिसंबर के मंथ में ये टॉपिक उठा था इसके बारे में, तो ये डिटेल्ड में डिस्कस हुआ था, तो फिर भी हम यहाँ कुछ बातें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ही इंपॉर्टेंट रखिए याद आप। नेक्स्ट पॉइंट है कि ही वॉज अवर्स टू ऑल द फॉर्म ऑफ पेटेंटिंग थ्रू एंड पेटेंटेड द डायोड ओनली ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम हिज कोलीग्स। जेसी बोस डिस्कवर्ड द पाथ ब्रेकिंग वर्क on the millimeter range wavelength microwave. Bose Institute was established by him at Cambridge University for Modern Research, जो 1917 में जो है बिल्डअप किया गया था। तो ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आपको ये इंफॉर्मेशन सारी पढ़नी चाहिए, नोट करनी चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसका आंसर है ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स है। इस प्रश्न को आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। विवेक और सामाजिक आदेश के अधीन धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार, नैतिकता और स्वास्थ्य, ये सारी जो बातें करी गई हैं, ये कौन से फंडामेंटल राइट कहते हैं। 19, 21, 25, 26 है। ऑप्शन सी 25 ये आर्टिकल है जो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में हमें अधिकार देता है, और प्लस उसका अभ्यास करना मींस टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस। अंग्रेजी में कहें विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स The every person a right to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate the religion subject to public order, which means जो public order है या morality है या health है, ये important होगा। और इसको देखते हुए देखो subject to which means कि कुछ restrictions है, कोई fundamental right जो है perfect नहीं है, absolute नहीं है, there are some reasonable restrictions। रिस्ट्रिक्शन किसको लेके होगी, पब्लिक ऑर्डर को कि न्याय व्यवस्था बनी रहे, या फिर मोरालिटी नैतिकता को देख के, कई बार अगर ऐसी कोई धार्मिक प्रैक्टिस है या धार्मिक मान्यताएं हैं जिसमें अनैतिकता है, जिसमें पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रॉय होता है, कुछ कौतूहल मचता है, कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, या फिर हेल्थ को लेके उससे कुछ इश्यू बन रहा है। कई उस जमाने की धार्मिक मान्यताएं थी जो हेल्थ के कारण भी जो है उनको अपोज किया गया कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने उनको बैन भी किया, ऐसी कई मान्यताएं थी। तो बहरहाल आर्टिकल 25 इसका राइट आंसर है। कुछ बातें इसके अंदर, द सुप्रीम कोर्ट सेड इट वुड एग्जामिन द वेल्ड इंटेंशंस बिहाइंड रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू अल्यूरमेंट, मैंने कुछ लालच देना, अल्यूरमेंट बाय ऑफरिंग फूड मेडिसिन ट्रीटमेंट एटसेट्रा। ऐसे कई क्रिश्चियन मिशनरी हैं जो ऐसी कुछ फैसिलिटीज लाइक मेडिसिन, फूड, एजुकेशन ऐसी दे के इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे धर्म के लोगों को ताकि कन्वर्ट वो हो जाए। तो ये
पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में टिप्पणी की है कि जो इलीगल तरीके से या फोर्सफुल कन्वर्जन किए जा रहे हैं उस पर चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, जिसकी बात अभी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज सेड दैट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट इंक्लूड द फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट पीपल टू पर्टिकुलर रिलीजन। उन्होंने कहा कि जो होम अफेयर है जिसके मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने कहा इसके अंदर कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं कि आपके पास फंडामेंटल राइट है कन्वर्ट करने का, कन्वर्ट हो जाने का, ये राइट नहीं है। तो थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट जरूर है, मगर एक बात बहुत साफ लिखी है कि इट डज नॉट इंक्लूड द फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट पीपल टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर रिलीजन। मैंने हमारे पास ये फंडामेंटल राइट नहीं कि हम किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करके किसी भी तरीके से उसे कन्वर्ट कर दें। तो हम जो भी धर्म चाहे फॉलो कर सकते हैं, पर कोई और हमें दबाव डाल के कोई अल्यूरमेंट दे के, अल्यूरमेंट कोई लालच दे के अगर कन्वर्ट करता है तो ये एक जस्टिफाइड थिंग नहीं होगी, समाज में से अनपीसफुल एटमोसफेयर क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पेरिस क्लब की स्थापना 1956 में, पेरिस में इसका मुख्यालय है के साथ हुई थी। भारत क्लब का सदस्य नहीं है और तदर्थ प्रतिभागी के रूप में कार्य करता है। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है तो मैं हिंदी पाठकों के लिए पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में देखते हैं इसको। द पेरिस क्लब फाउंडेड इन 1956 विद हेडक्वार्टर इन पेरिस, कई स्टेटमेंट सही है। अब आपको आपकी ड्यूटी है कि पेरिस क्लब के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सर्च करें कि व्हाट इज पेरिस क्लब। अब इसमें काफी बातें नहीं कह पाएंगे, शॉर्टेड इन्फॉर्मेशन होगी, बट इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लब एंड एक्ट्स एज एन एड हॉक पार्टिसिपेंट। एड हॉक होते हैं जो टेम्पररी वे से बनाए जाते हैं, जो परमानेंट उसके सदस्य नहीं होते, फॉर द टाइम बीइंग उनको क्रिएट उनको बनाया जाता है। कौन सी स्टेटमेंट सही? दोनों स्टेटमेंट सही है कि पेरिस क्लब फाउंड हुआ 1956 में और इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही है, फ्रांस के अंदर, फ्रांस के कैपिटल, एंड इंडिया इसका एडहॉक पार्टिसिपेंट है, हिंदी में कहते हैं प्रतिभागी, सदर्थ प्रतिभागी इसका आंसर है। ठीक है, पेरिस क्लब इज अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल फ्रॉम मेजर क्रेडिटर कंट्रीज हुज रोल इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेटेड and sustainable solution to the payment difficulty experienced by debtor countries. तो जिन countries पे उधार है, जिनको अपना लोन का पैसा वापस करना है, उसका sustainable solution, कई countries लोन के दबाव में है, उनकी हालत खराब हो चुकी है, they are actually destroyed completely. उनके यहाँ तो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने की भी उनको दिक्कत आ रही है। ऐसी कंट्री का सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या निकाला जाता कि उनकी फ्यूचर जनरेशन इस लोन के बोझ तले उनकी उनका फ्यूचर ना तबाह हो जाए। ऐसी कई कंट्रीज हैं, अगर आप सर्च करेंगे, जैसे इवन श्रीलंका रिकवर किया हाल फिलहाल में, पाकिस्तान की सिचुएशन खराब है, और अफ्रीकन कंट्रीज काफ़ी हैं जो लोन तले दबी हुई हैं और उनका फ्यूचर प्लान बिल्कुल ख़राब है, और उसे उनकी अपनी जो फाइनेंशियल पोजिशन है आम लोगों की वो ठीक नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ द पेमेंट जो उनको हर माह पे करनी पड़ती है, और इंटरेस्ट जो उनको पड़ता है बहुत हैवी इंटरेस्ट पड़ता है। और दूर में चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बात करता हूँ, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है, लगभग 53 लाख करोड़ का हमारे ऊपर लोन है। हम अपने बजट का लगभग 33% जो पैसा है वो लोन की किश्तें वापस चुकाने में लगा देते हैं, 33%। तो जस्ट इमेजिन दैट कि सिचुएशन कितनी ग्रिम है, हम कितना लोन लेके बैठे हुए हैं। हमने काफ़ी कंट्री में लोन ले रखा है, बट कुछ कंट्री नहीं सर्वाइव कर पा रही हैं, तो उनके बारे में पेरिस क्लब बनाया गया है और फाउंड के 1956 के अंदर, एंड हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लब, इट इज अ एड हॉक पार्टिसिपेंट, दैट्स अ पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सॉइल को लेके वर्ल्ड सॉइल डे
is observed every year on December 5th to highlight the value of healthy soil and promote the sustainable management of soil resources. तो करंट अफेयर के अंदर जब वर्ल्ड सॉइल डे पढ़ाया जा रहा था, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं तो जानते होंगे कि ये टॉपिक कवर हुआ है, तो उस दिन काफ़ी बातें डिस्कस हुई थी. एंड सेकंड स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट डेजिग्नेटेड December 5, 2014 एज द फर्स्ट ऑफिशियल सॉइल डे. तो सॉइल के बारे में तो बहुत इंफॉर्मेशन है, मगर ये करंट अफेयर के हिसाब से ये बात डिस्कस की जा रही है. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है. वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ऑन दिसंबर 5 टू हाईलाइट द वैल्यू ऑफ हेल्दी सॉइल एंड प्रमोट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल रिसोर्सेज. मैंने सॉइल को हमें कैसे मैनेज करना है और सॉइल एज अ रिसोर्स हम कितने बेनिफिशियल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. डिप्लीशन ऑफ सॉइल इज टेकिंग प्लेस एंड क्लाइमेट चेंज काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है सॉइल की क्वालिटीज़ को. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर यूएन डेजिग्नेटेड December 5, 2014 एज फर्स्ट ऑफिशियल सॉइल डे. तो ये वर्ल्ड रिसोर्स ने नहीं करा, इंस्टीट्यूट ने, ये हुआ बाय यूनाइटेड नेशन. तो दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करने वाले हैं. जब निर्भया वाला केस हुआ, द गैंग रेप ऑफ द इनफेमस निर्भया केस ऑफ 2012 आई थिंक 16 दिसंबर 2012 में एक पैरामेडिकल स्टूडेंट जिसका नाम ज्योति निर्भया रखा गया, ज्योति उनका नाम था, निर्भया नाम रखा गया उनका जस्ट फॉर द सेक ऑफ हाइडिंग द आइडेंटिटी. तो जो केस हुआ वो जिसमें कि जुवेनाइल पाया गया जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, तो उसे 6 महीने के रिफॉर्मेशन सेंटर या रिफॉर्मेशन होम के अंदर रखकर भेज दिया गया, यूं कह लीजिए. तो पब्लिक में काफ़ी अप्रोर मचा कि ये क्या है, दोष करने में अगर ये शामिल हो सकता है तो इसे फिर जुवेनाइल बच्चा क्यों माना जाए. तो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि भाई हमारे देश में बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे बलात्कार जैसे केस हैं वो 16 से 18 साल के बच्चे भी कर रहे हैं, तो इस कैटेगरी ऑफ लोगों को जो है जुवेनाइल कैटेगरी से हटाया जाए. निर्भय वाले केस में जो लड़का था 17 साल कुछ महीने का था, 18 साल पूरा नहीं हुआ था, और हो जाता तो उसे भी फांसी मिलती. तो बहरहाल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज एन इंस्टीट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015. अगेन लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, तो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या 2015 में पास हुआ. हाँ, पास हुआ 2015 के अंदर. क्या सेक्शन 4 के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्रिएट किया गया? दूसरी बात, वन ऑर मोर देन वन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. ये बात बिल्कुल गलत है. फर्स्ट बात जो है सही है. अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी पॉइंट इसके अंदर है. द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज इंस्टीट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ, वो तो वही स्टेटमेंट रिपीट हो गई. अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ पावर द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट. तो ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देयरफॉर वन ऑफ मोर देन वन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आर एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट. क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस क्राइम के ऊपर न्याय देना, किसी ने क्राइम किया है उसके ऊपर फैसला सुनाना या टैकल करना, उसे ये स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है. द बोर्ड एक्सरसाइजेज पावर एंड डिस्चार्जेज द फंक्शन रिलेटिंग टू द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट. तो खैर काफ़ी बातें इसमें कही गई हैं, आप इसके नोट्स भी बनाइए प्रॉपर तरीके से. कोशिश करिए कि ये टॉपिक जब उछला है तो इस टॉपिक के बारे में आप गूगल पर रिसर्च करें और मालूम करें कि क्या क्या इसके बारे में और बातें हैं जो हमें और जाननी चाहिए. नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, इजी लग रहा है सवाल ये, क्योंकि ये सवाल बहुत ही साइज में छोटा है. इंडियाज इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 द डिजिटल डिवाइड रिलीज बाय ऑक्सफॉर्म इंडिया.
जो इन इक्वालिटी रिपोर्ट होती है, जो ज़्यादातर गरीब और अमीर के बीच में बढ़ता गैप के बीच के बारे में रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, इट इज़ बाय द ऑक्सफॉर्म। अकॉर्डिंग टू इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022, द डिजिटल डिवाइड रिलीज बाय एनजीओ जिसका नाम ऑक्सफॉर्म है इंडिया, ग्रोइंग इनक्वालिटीज ऑन कास्ट रिलीजन जेंडर क्लास एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन आर बीइंग वरिंगली रेप्लिकेटेड इन द डिजिटल स्पेस इन इंडिया। तो हमारा जो डिजिटल स्पेस है उसके ऊपर जो जाति के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे जो डिवाइड क्रिएट हो रखे हैं, या क्लासेस पे, या ज्योग्राफिकल रीजन पे कि कोई बिहारी है, कोई यूपी वाला है, कोई पंजाबी है, एंड सो मेनी थिंग्स आर गोइंग अराउंड। तो डिजिटल स्पेस के अंदर जो गंदगी मची है, जो डिवाइड क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने जो है वो रिपोर्ट पब्लिश की है। और इसमें ये भी साथ में कहा है कि जो विलेज या जो गांव देहात तक के अंदर जो डिजिटल कनेक्टिविटी है और जो शहरों में, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा ये मानना है इसके अंदर कि आजकल गांव के अंदर भी जो इंटरनेट फैसिलिटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से पहुंच चुकी है, मगर खैर हमारे देश में ऐसी भी कई स्टेट्स हैं जहाँ अभी भी इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो जो पोअर सेक्शन है अभी भी आई थिंक इंटरनेट से जुड़ नहीं पाया है। तो ऑक्सफॉर्म की ये रिपोर्ट जो है दोनों तरफ से बात कहती है। ये ड्रोन के बारे में कहा गया सवाल है। ड्रोन आज की डेट में हम हर कहीं यूज़ कर रहे हैं, इवन ड्रोन पिज़्ज़ा डिलीवरी में भी यूज़ हो रहा है, शूटिंग में यूज़ हो रहा है। नॉर्मल शादी में आजकल ड्रोन से शूटिंग होती है, काफ़ी अच्छा एंगल देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। तो ड्रोन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं कंसिडर करनी पड़ेंगी। बी रेफरेंस टू द इंडियस न्यू ड्रोन रूल्स, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कवरेज ऑफ ड्रोन अंडर ड्रोन रूल 2021 इंक्रीज फ्रॉम 30 kg टू 500 kg। तो जो ड्रोन रूल्स नए बने हैं उसमें क्या जो वेट है, अमाउंट ऑफ वेट दैट कैन बी पिक्ड अप बाई ड्रोन, क्या 300 kg से 500 kg हो चुका है, क्या ये बात सही है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ड्रोन ऑपरेटिंग बाई फॉरन ओन कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया, क्या जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, क्या मात्र उनके फॉरनर होने पे कोई रेस्ट्रिक्शन ऑफर की जाएगी। तीसरी बात, नो पायलट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ड्रोन्स। माइक्रो ड्रोन जो शादी और एक मामूली डिस्टेंस तक हम यूज़ करते हैं, शादियों में आपने शूट करना है, कोई वीडियो बनानी है, कोई शूट करना है, तो उसके बेसिस पे जो उसकी एक एक्वायर्ड हाइट होगी, जिसको हाइट चाहिए, एक स्पेस चाहिए, तो उसकी कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होगा। क्या होगा इसके अंदर, तीनों बातें सही हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तो इसमें नो फ्लाइट परमिशन रिक्वायर्ड टू 400 feet ग्रीन जोन। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अगर 400 meter तक ड्रोन उड़ाते हैं तो तब तक कोई लाइसेंस आपको चाहिए नहीं, तो मूवी शूट करेंगे कैमरामैन, उनके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप एयरपोर्ट वाले एरिया में हैं तो फिर आपको जो है थोड़ा बचना पड़ेगा, वहाँ पे 8 to 12 kilometers फ्रॉम एयरपोर्ट, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे मेंटेन करना पड़ा, ये लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ से। नो पायलट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ड्रोन्स, जो नॉन कमर्शियल टाइप होंगे, नैनो ड्रोन्स R&D रिसर्च पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ड्रोन ऑपरेटिंग बाय फॉरन ओन कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और तमाम बातें इसके अंदर आप इसको पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI, जो हमारे देश में टेलीकॉम ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करती है, तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इट्स ए रेगुलेटरी बॉडी, इट इज ए रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बनी थी। दूसरी बात, इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2 full-time members एंड नॉट मोर देन 2 part-time members। अगेन ये लाइन थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ा देती है इस क्वेश्चन की। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंट दैट प्रमोट्स ए लेवल प्लेइंग फील्ड एंड फैसिलिटेट फेयर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। मार्केट में एक जेन्युइन कॉम्पिटिशन बना के रखा, जियो ने फ्री में डेटा ऑफर किया विच वॉज किलिंग द मार्केट, मैनी स्मॉल प्लेयर वर पुश्ड आउटसाइड फ्रॉम द मार्केट, तो दिस वॉज नॉट राइट। TRAI ने कुछ ऑपरेशन किया इसके अंदर, TRAI ने कुछ काम किया इसके अंदर, वेल लेट्स सी। ऑप्शन बी सही है, विच मीन्स की दो और दूसरी और तीसरी बातें सही हैं,
पहली बात सही नहीं है, जिसको ये बात पता थी कि भाई ये 2000 में नहीं 1997 में बनाई गई थी, अगर इसके जिसके पास ये इंफॉर्मेशन थी तो उसको ये पता था कि ऑप्शन वन तो गलत है, सॉरी स्टेटमेंट वन तो गलत है, स्टेटमेंट वन तो गलत है। किस बेसिस पे? उनकी ट्राई, जो भी बच्चा लेवल टू एग्जाम की भी तैयारी करता है तो भी उसको मालूम रहता है कि ट्राई ऑर्गेनाइजेशन 1997 में बनाई गई थी, तो वहीं से ही क्लियर था कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। तो जहां जहां ऑप्शन, जहां जहां जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट वन इंक्लूड है वो सारी कहूंगी गलत, तो मीन्स ये गलत है और वन का ये गलत है और वन का ये गलत है। तो ऑब्वियसली हमें सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट पता नहीं भी होती तब भी काम चल गया था, सिर्फ इतनी बात पता होने पे कि 1997 में बनाई गई थी। तो जो क्वेश्चन बाहर से बहुत खतरनाक नजर आते हैं, एक बार पढ़ाई कर ली जाए, किसी भी पर्सन को जैसे यूपीएससी का पेपर देते हैं उनको 100% क्वेश्चन इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। आई थिंक सिर्फ 5 या 10% क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जिनमें वो बिल्कुल क्लियर रहते हैं, बाकियों में इसी तरीके से जो है वो ट्राई किया जाता है क्वेश्चन को, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन लगते हैं। 70-80% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं कि आपको कुछ 70% इंफॉर्मेशन पता थी, 80% इंफॉर्मेशन पता थी और आपने ऐसे तरीके से ही उनको हिट एंड ट्राई किया और लगा दिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बट ये छोटा सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंड अ पॉवर्टी लाइन ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली? कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने न्यूट्रिशन, हम कितना फूड न्यूट्रिशनल पोषण आहार, पोषित आहार लेते हैं उसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन डिफाइन की गई थी? हिंदी में कहेंगे इसको, निम्नलिखित में से किस समिति ने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा की सिफारिश की थी? तो कौन सी थी? अलग कमेटी, कमेटी कई हैं बट आपको इन सभी कमेटी के बारे में जानना चाहिए। इंडियन इकॉनमी पढ़ते हुए आप पॉवर्टी लाइन को पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कमेटी थी, उन्होंने उसके बारे में टिप्पणी की है, किसी ने इनकम के आधार पर, किसी ने एक्सपेंडिचर के आधार पर, किसी ने न्यूट्रिशनल या पोषण क्या बोलते हैं उसको आहार के आधार पर डिफाइन की है। रिमेंबर फॉर बीइंग अ डेमोक्रेटिक एंड फॉलोअर ऑफ इंक्लूसिव अप्रोच फॉर डेवलपमेंट, तो इसमें आई थिंक एग्रीकल्चर प्राइस MSP की बात भी करी गई हुई है बट नथिंग मच टू डिस्कस, बहुत सिंपल बातें आप उनको पढ़ सकते हैं, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। ब्लैक सॉइल के बारे में कहा गया, ब्लैक सॉइल आप जानते हैं, ब्लैक सॉइल इज वेरी गुड फॉर स्पेशली कॉटन। ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काली मिट्टी का बहुत लंबे समय के लिए मॉइस्चर रिटेन कर सकती है, होल्ड कर सकती है। दूसरी बात, ब्लैक सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग प्लांटेशन क्रॉप्स, जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं कहते हैं क्या उसके लिए हम उसे रोपण फसलों के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही, दूसरी गलत है। फर्स्ट मैंने ब्लैक सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप लाइक कॉटन, शुगर केन, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है और ब्लैक सॉइल पानी को मैंने मॉइस्चर को काफ़ी देर तक होल्ड कर सकती है। लेटराइट सॉइल इज मोर सूटेड फॉर ग्रोइंग प्लांटेशन क्रॉप, जो प्लांटेशन क्रॉप है जो मात्र रोपण के लिए, जैसे कि जब नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ रोपण के लिए पौधे रखे गए होते हैं, तो उसके लेटराइट सॉइल अच्छी है। द ब्लैक सॉइल आर जनरली क्ले, डीप एंड इम्पर्मिएबल, दे वेल दिस दिस स्मेल स्वेल एंड बिकम स्टिकी वेन वेट एंड श्रिंक वेन ड्राइड, तो कुछ नॉर्मल बातें कही गई हैं, वेरी वेरी इजी, आप इनको पढ़ सकते हैं यहाँ से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट GPT बहुत फेमस हुआ आजकल। अभी हाल फिलहाल में किसी सीनियर IAS ने लिखा था कि मैंने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर उससे पूछा और उसने बहुत एक अच्छे शब्दावली में कि ऐसे आंसर किया कि अगर इसी को ही UPSC में लिख दिया जाए तो कहते हैं बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए रफली आप गूगल पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो कुछ कैसी भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, फिर आप 50 तरह की इंफॉर्मेशन में कोई एक चुनते हैं कि ये मेरे एग्ज़ाम के लिए बेटर रहेगी। बाकी कितनी सारी वेबसाइट्स आती हैं जिनमें कोई काम की चीज़ है ही नहीं और आप बहुत रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं यहाँ वहाँ, तब जाके कहीं से आपको डेटा सही सा मिलता है। तो ये जो है सी मीन्स ये तरह का चैट बॉक्स है, ये है क्या? ये चैट बॉक्स है जिसे आप अगर चैट मैसेज करेंगे आपको ह्यूमन की तरह रिप्लाई आएगा, लाइक ए ह्यूमन। यूँ तो आप कहीं भी मैसेज करते हैं
जो अमेजोन है या बाकी जहाँ पे मशीन जनरेटेड रिप्लाई मिलते हैं आपको, तो मालूम बीच में चली जाता है कि ये मशीन बात कर रही है, कितना वो इमोशनल कनेक्ट हम फील नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज GPT स्टैंड्स फॉर, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, काइंड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल दैट रिलाइज ऑन डीप लर्निंग टेक्निक्स टू प्रोड्यूस ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड इनपुट्स। मैं जैसे ह्यूमन बात करता ना बिल्कुल उसी तरीके से एग्जैक्टली वो बात करेगा। तो वंस अ यूजर साइन अप फॉर चैट GPT दे कैन यूज द चैट बॉक्स टू हैव कॉन्वर्सेशन एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव रीजनेबली इंटेलिजेंट रिप्लाई। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, रिप्लाई तो आपको मशीन रोबोटिक्स के जमाने में कोई भी मशीन कर सकती है रिप्लाई। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो ऐप के ऊपर कि 10 बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आपको एकदम से उसका रिप्लाई आ जाता है। मगर यहाँ पे बहुत ही छांट के इंटेलिजेंटली उसका रिप्लाई किया जाएगा, लाइक जैसे एक ह्यूमन सोचता है कि आपकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वैसे तरीके से रिप्लाई करेगा। तो ये बातें यहाँ कही गई हैं। नाउ इलेक्शन कमीशन के बारे में नेक्स्ट हमारा सवाल है। इलेक्शन कमीशन अपॉइंट्स रिटर्निंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है। दूसरा, फॉर कॉन्सेंसी इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और UT एज केस में भी, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन कैन डेजिग्नेट और नॉमिनेट द सेम पर्सन टू बी रिटर्निंग ऑफिसर फॉर मोर देन वन कॉन्सेंसी। क्या एक सेम पर्सन दो या दो से अधिक कॉन्सेंसी में रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है क्या, फिर इंडिविजुअल रखे जाते हैं? दोनों बातें इसके अंदर जो है करेक्ट हैं। रिटर्निंग ऑफिसर RO इज अपॉइंटेड इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय इलेक्शन कमीशन, इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन करवाने की हाईएस्ट अथॉरिटी या जिम्मेवारी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। ही और शी इंश्योर्स द इलेक्शन आर प्रॉपरली कंडक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जनरली जो DC होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM होता है, वो एक्स ऑफिसियो जनरली वही होता है RO इन लोकसभा इलेक्शन, और जो स्टेट इलेक्शन होते हैं असेंबली के, वहाँ पे SDM जो हैं वो ही रोल प्ले करते हैं। जनरली एक SDM जो होता है वो आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मिल ही जाएगा, तो वो जो है रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ रखे जाते हैं। SDMs और DC, लोकसभा में DC होगा और विधानसभा के चुनाव में SDM होंगे। नेक्स्ट इम्पीचमेंट के बारे में सवाल है। The procedure of impeachment of judge of high court is the same as the judge of supreme court. Impeach महाभियोग क्या सेम है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए? स्पीकर और चेयरमैन ऑफ हाउस मे रिफ्यूज टू एडमिट अ मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट जज। क्या स्पीकर चेयरमैन ऑफ हाउस क्या रिफ्यूज कर सकते हैं इम्पीचमेंट मोशन? नेक्स्ट बात, नो जज इन द हाई कोर्ट हैज इम्पीच्ड सो फार, अभी तक कोई हाई कोर्ट का जज इम्पीच का नहीं हुआ है। चौथी बात, ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन पास द फाइनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज। इम्पीच हो जाने के बाद जब फाइनली उनको हटाना है, क्या इसकी अथॉरिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है? व्हाट इज द राइट आंसर? फर्स्ट 3 स्टेटमेंट सही है, लास्ट वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके अंदर द प्रेजिडेंट पास एन ऑर्डर रिमूविंग द जज, प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है टू रिमूव जज, CGI के पास ये अथॉरिटी नहीं आती है। बाकी तीनों बातें सही हैं। बात ये डिस्कस कर लेते हैं कि जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में पास किया गया था, वही है जजेस को रिमूव करने का एक कानूनी रूप से डॉक्यूमेंट। इसमें रिमूव करना है तो 100 मेंबर लोकसभा के अंदर और 50 मेंबर इन राज्यसभा चाहिए होते हैं, अगर आपने इम्पीचमेंट मोशन जो है वो साइन अप करना है। इसके बाद फिर एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो पास होना चाहिए जो मोशन, स्टार्टिंग में लोग कम से कम 100 तो चाहिए इसके लिए लोकसभा में, और 50 चाहिए एक मोशन एडमिट करने के लिए, इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट करने के लिए। अगर 100 से कम हुए तो स्पीकर है लोकसभा के उसे एडमिट ही नहीं करेंगे उस मोशन को, दे विल डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। और उसके बाद जब 100 से अधिक हो जाए तो चेयरमैन को इन राज्यसभा एंड लोकसभा के स्पीकर को वो मोशन एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर उसमें वोटिंग होती है और स्पेशल मेजॉरिटी में अगर वोट हो गया देन द जज विल बी स्टैंड रिमूव्ड। बट यस, राइटली सेट की
लास्ट में राष्ट्रपति उसे रिमूव करेंगे जब यहाँ से मोशन वो पास हो जाए, बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर राष्ट्रपति इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दो हाउसेज हैं, राष्ट्रपति का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ से यस हो गया पार्लियामेंट से बाय स्पेशल मेजोरिटी, तो फिर राष्ट्रपति के ऊपर अब जाता है बात और उसे वो निकाल सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की हम बात करें, स्टैंड अप इंडिया स्कीम एंटरप्रेन्योर्स न्यू बिजनेसमैन के लिए क्रिएट की गई थी, एंड इट्स पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससी एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर, ये बात सही है। दूसरी बात, इट प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंसिंग थ्रू सिडबी द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मैंने क्या इसको फंडिंग वहाँ से आती है इस स्कीम के लिए, तो कौन से, अच्छा थर्ड कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे लग गया, कौन सी बात इसमें सही है, दोनों बातें सही हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम विमेन एस सी एस टी एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए की गई थी कि आप काम करिए, अपना बिजनेस करिए, धंधा स्टार्ट करिए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रोवाइडेड फाइनेंस विंडो थ्रू यही स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें मिनिमम अमाउंट होगा 10,000 रुपये, तो आप इसके बारे में और रिसर्च करें। ये था पार्ट वन, पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा भी मैं रिलीज करूँगा। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे बन रहे थे, बट मेरा प्लान ये कि मैं सिर्फ 60-70 क्वेश्चन ही जनवरी मंथ के लेके आऊँगा, और उन्हीं 70-80 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन के आने की संभावनाएँ बनी रहेंगी। वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपकी कोई डाउट रह गई हो इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट के द्वारा आपको उसका उत्तर पहुंचा दूंगा आपको मैं। धन्यवाद।